हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही एक नई आर्ट बनाएंगे जिसको हम स्पाइरोग्राफ आर्ट कहेंगे। और ये हमने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा बनाई है। इससे हम एक कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये इस तरीके का स्पाइरोग्राफ है मेरे पास। ये देखिए, इस तरीके का होता है। इसमें ये स्टेंसिल्स हैं ये सारे, ये और इसका यूज़ करके एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और जो पूरा कंप्लीट होगा स्पाइरोग्राफ की तरह होगा। तो मैंने एक पेपर ले लिया है। देखिए, एक पेपर लिया है मैंने, कोई भी एक ड्राइंग शीट का पेपर ले लिया है मैंने, और उसको मैं इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कार्ड के लिए कार्ड बनाने के लिए कर रही हूँ। पर ये कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं कोई चीज़ करने के लिए। पर मैंने ये इसे देखिए कार्ड की तरह इसे हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से कार्ड में। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसमें पेन चाहिए होगा मेरे को, पेन कोई भी पेन आप ले सकते हैं, जेल पेन लेना चाहें जेल पेन भी ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो और वो जो होल्स आप इजीली उसके थ्रू बना सके। अब मैं इसे किसी एक हार्ड बेस पे रख लेती हूँ। ये देखिए, हार्ड बेस पे मैंने रख लिया। और इसके बाद हम अपना जो जेल, ये जो शी है, इसके हम होल्स को यूज़ करेंगे और एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि देखिए, ये मेरे को एक सेंटर लगता है कि यहाँ एक सेंटर है इसका, ये इस कार्ड का सेंटर ये है। तो मैंने इसमें यहाँ पे देखिए ऐसे रखा, इसे इस तरीके से, ये देखिए ऐसे रखा ये, और चाहे ऐसे रख लीजिए, देखिए ऐसे रखा मैंने। और इसके बाद इस पे मैं इसे सिर्फ पेंसिल पेन से ऐसे रोल करूंगी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से बस ऐसे मैं इसे मूव करूंगी, क्योंकि ये स्पाइरो है, स्पाइरल उसमें अपने आप ही मूव कर रहा है। देखिए, बस पेन हमें बहुत टाइटली उसमें फिक्स करके रख लेना है और वो अपने आप सर्कल मूव करता रहेगा। और देखिए, ये एक अपना डिज़ाइन हमारा बन रहा है। कभी कभी ऐसा, ये एक तरह से ये एक डिज़ाइन मेरा बन गया है इसमें है। ये देखिए, इस तरीके से ये स्पाइरो, ये सर्कल बन गया बहुत इजी वे में। इतना टफ डिज़ाइन नहीं, तो हम हाथ से बनाएंगे तो ये डिज़ाइन हम इतना इजीली नहीं बना सकते हैं, पर इससे जो है बहुत इजी वे में बन गया है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि ये देखिए, इस तरीके से इसको प्लेस किया, ऐसे प्लेस किया इसे, ये देखिए, ये ऐसे प्लेस किया, ये चाहे सेंटर में रख लेते हैं, इसी का ही एक पार्ट ले लेते हैं। ये आपका उसमें अपने आप ही मूव करता रहेगा। देखिए, ये ऐसे ऐसे पास पास रख के हम एक डिज़ाइन बना लेते हैं। तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल है, ये किसी भी ये क्राफ्ट उस पर मिल जाएगा आपको। ये अलग अलग तरीके के भी आते हैं, पर ये सब स्पाइरल ही इसी तरीके से सर्कल्स में, ऐसे एक बड़ा सर्कल होता है और उसी अंदर ये छोटे छोटे स्टेंसिल्स होते हैं जो उसी के अंदर होंगे, और वो आप इसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ऐसे आप इसको प्रेस करके चलाते रहिए, ये देखिए अपने आप ये सर्कल के अंदर मूव करता रहेगा।
कोई भी कुछ भी आप डिजाइन बना सकते हैं इससे। इस तरीके से ये एक आपका डिजाइन बन गया। ये जो हम हाथ से नहीं बना सकते हैं वो हम इससे हमने बना लिया। ये इसके बाद देखिए, ये इसके बाद जो बन के आएगा ये। अब इसके बाद मैं एक और पैटर्न यूज़ करती हूँ जिससे कि ये थोड़ा और कंप्लीट हो जाए। इसमें देखिए एक छोटा सा होल है, ये बहुत छोटा सा होल है, उसी होल का यूज़ करके बनाएंगे। कितना सुंदर इसका पैटर्न बन के आएगा। सेंटर में रख रही हूँ इसे ताकि इन दोनों के बीच में बनेंगे। देखिए हम जितना बड़ा करना चाहते हैं इस डिज़ाइन को, जैसा भी बनाना चाहते हैं हम वो इससे बना सकते हैं। के सेंटर में रख के बस ये प्रेस करके ये आपका बहुत इजीली मूव करता जाएगा सर्कल इसके अंदर। ये इस तरीके से ये बन गया है। अब इतना सफिशिएंट है अगर, तो हम इसमें पहले क्या करते हैं, हम और भी बना सकते हैं इसमें पैटर्न। हम यही चीज़ को रिपीट कर सकते हैं इसके सेंटर में। जैसे ये है यहाँ पे इसके सेंटर में, अब हम दूसरा पैटर्न एक ले लेते हैं। इसके सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में अपने आप ही एक अच्छा सा डिज़ाइन इतना इजी वे में हम बन गया इससे, इसका यूज़ करके स्पायरोग्राफ का जो स्टेंसिल है इसका फ्रेम यूज़ कर लिया हमने, और जो ये आर्ट है इसको स्पायरोग्राफ कहते हैं। देखिए पूरा का पूरा हमारा जो जो डिज़ाइन है सेंटर सर्कल का पूरा इसमें कंप्लीट हो गया। जितना मेरा कार्ड का पार्ट था उतने पे ये बन गया।
पूरा का पूरा कंप्लीट डिज़ाइन हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कलर कर देते हैं। कलर करने के लिए मैंने स्केच पेंस का यूज़ किया है। कलर्स ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने डिफरेंट कलर्स लिए हैं इसके अंदर, और इन कलर्स का यूज़ करके इसको थोड़ा सा और कलरफुल बना देते हैं, जिससे ये देखने में और अच्छा लगेगा। जैसे कि हमने इसके जो ये हैं पार्ट्स, इसमें हमने ये देखिए इसे फिल कर देंगे। देखिए और कितना अच्छा लग रहा है, ये चीज़ बिल्कुल ही अलग हो गई। ब्रश का यूज़ भी आप कर सकते हैं इसे करने के लिए। देखिए इस तरीके से ये, और कोई दूसरा कलर मैं चाहें इसके ऊपर मैं येलो कलर यूज़ किया, ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं मैं इसको कंप्लीट करने के लिए। कितना सिंपल वे में देखिए, इतना डिफिकल्ट पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही अलग। कैसे ये पूरा का पूरा कलर जो है हम इसे कलर कर देंगे तो ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। ऐसे ही हमने जो रेड कलर है वो हमने इसमें फिल कर दिया। ये रेड कलर हमने इसमें फिल, थोड़े से बिल्कुल जल्दी ही आपका ये देखिए इसमें जो है बिल्कुल एकदम से नया ही लुक आ जाएगा। प्लेन कार्ड दें आप किसी को या कुछ बनाएं, उससे अच्छा है कि ये इसको इसमें अलग डिज़ाइन बिल्कुल देखे। ये देखिए ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ये। ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं इसे करने के लिए, बस थोड़ा स्केच पेन ईजी है, जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं स्केच पेन्स का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से ये हो गया, ये हमने ये यहाँ पे इस तरीके से है। हम इसमें कलर चेंज भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे रेड कर दें। ऐसे और इसमें हमने क्या कर दिया, येलो कलर कर देती हूँ मैं, येलो येलो कलर या ब्लू कलर कर देते हैं। देखिए लाइट
तरीके से ये फिल हो जाएगा। और अब यहाँ इसको भी कर सकते हैं कलर, ये देखिए इसमें है, मल्टी कलर हम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा लाइट डार्क करते करते देखिए इसमें ऑरेंज कलर आ गया। इसमें हम बिल्कुल मल्टी कलर से कर देंगे, देखिए कितना अच्छा इसका लुक आएगा। अभी बिल्कुल ही सिंपल डिज़ाइन, सिंपल वे में एक नया लुक, इसका स्पायरोग्राफ का यूज़ करके हमने एक अच्छा सा डिज़ाइन बना लिया। अब हम इसके बाद इसमें इससे थोड़ा सा डार्क कलर करते हैं, रेड कलर हम ले लेते हैं। चलिए चाहे हम एक गैप छोड़ के भी कर सकते हैं, या हम ऐसे करें कि रेड हम छोड़ के करते हैं, यदि छोड़ के करेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इतना इंट्रिकेट पैटर्न जो है वो इतना इजीली बन गया, और फिर कलर होके तो उसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए ऐसे इस तरीके से पूरे में, बस बेसिक ये है कि ये जब बने तो बस आप हाथ आपका थोड़ा सा टाई उस पे फिक्स रहे, ताकि कोई डिज़ाइन में गड़बड़ नहीं हो। डिज़ाइन अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाएगी तो फिर पैटर्न जो है वो अलग सा थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए कलर इसमें ये हो गया। इसके बाद हम एक येलो फिर से कर देते हैं इसके ऊपर। थोड़ा पेशेंस वाली आर्ट है ये, कि आपको जब कलरिंग करेंगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक इतने छोटे छोटे पैटर्न्स हैं उनको फिल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए ऐसे, इसके बाद मैं जो हूँ इसमें हल्का सा ग्रीन कलर करते हैं। इसमें भी जैसे इसमें दो को खोल के छोड़ के कर देते हैं, एक छोड़ देते हैं हम।
देखिए इस तरीके से पूरे में। तरीके से ये इतना सुंदर इसमें पैटर्न बन गया है। ये देखिए इस तरीके से आया है ये। और एक कलर हम और यूज़ कर लेते हैं इसमें, पिंक कलर यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए तरीके से ये एक सेंटर पैटर्न बन गया। और इसी तरीके से हम जो हमारा वाला ये पार्ट है इसको जल्दी से बना लेते हैं। इतना ज़्यादा इतना इंट्रीकेट पैटर्न्स हैं ये, और ये इजीली हाथ से हम कितना कितना भी अच्छे से करें तो भी ये इजीली नहीं बन सकते हैं। पर इससे देखिए कितना इजीली इजी वे में बन गए हैं। देखिए इस तरीके से सुंदर लग रहा है ये। सिर्फ कलर, कोई कलर भी, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं इसे करने के लिए। देखिए इसी तरीके से ये और बनेगा, ये ऐसे ही बन के आएगा ये वाला हिस्सा। और इसमें हम जो रेड है, रेड के साथ हम येलो ले लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमने येलो ले लिया। तरीके से ही आएगा ये पूरा का पूरा पैटर्न जो बन जाएगा इधर, तो कंप्लीट बिल्कुल कलर जब हो जाएगा इसमें तो बहुत सुंदर लगेगा ये।
इसमें सेंटर में मैंने येलो कर दिया है। तो ये इस तरीके का एक पैटर्न बन के आएगा। ये आप इसे ट्राई करिएगा और अपने पसंद से जो भी कलर आपको लगे वो कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कमेंट भी करिएगा कि कैसे आपने इसे बनाया, और लाइक करिएगा। थैंक यू।